दिल्ली में करते हैं वो लोग प्रवासी अवार्ड्स, लेकिन प्रवासी अवार्ड्स का वर्चस्व इतना नहीं है, उतना नहीं है। हमने इसको जानबूझ के GEC पे डाला कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का तड़का रहे तो लोग उसको अवार्ड को, उस सेरेमनी को, उस अवार्ड नाइट को ज़रूर देखेंगे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि लोग जब तक उसमें एंटरटेनमेंट नहीं होता लोग उसको प्रिफर ही नहीं करते। इस वजह से इस थॉट को हमने आगे लिया कि भाई थोड़ा सा एंटरटेनमेंट उसमें रहे तो उस चीज़ का थॉट या उस चीज़ का फील कुछ अलग ही आएगा, और ऐसा हुआ। एक्सपीरियंस बहुत हुआ। लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। इंसान अपनी आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ सीखता ही है। इस प्रोसेस में जैसा आपने कहा कि भाई और आप आगे क्या करेंगे, हाँ जैसे हमने इस बार सपोज 8 या 9 सेगमेंट्स डिसाइड किए थे, आने वाले दिनों में हम सोच रहे हैं कि इनको 12 से 15 सेगमेंट्स तक करेंगे। जो अवार्ड्स इस बार शायद 9 थे, 8 थे, कोशिश थी हमारी 9, लेकिन लास्ट मिनट वन ऑफ द सेगमेंट वॉज टू बी ड्रॉप्ड, हैड टू बी ड्रॉप्ड बिकॉज जो अवार्ड ही था उन्होंने अपने इनकम्पिटेंसी दिखाई कि वो शायद नहीं आ पाएंगे, तो अवार्ड्स वर रिस्ट्रिक्टेड ओनली 8। आने वाले दिनों में हमारा प्रयास है, हमारी थॉट है कि वो अवार्ड्स 12 या 15 तक रखेंगे हम, सेगमेंट्स और फर्दर बढ़ाएंगे हम, डेफिनेटली सेगमेंट्स और बढ़ेंगे। प्रयास है, कोशिश है, उम्मीद करता हूँ शायद ये काम कर सकें। इस पर हम चाह रहे हैं कि आने वाले साल में हम ये वोटिंग ऑनलाइन डालें बाद में। इन शॉर्ट जब जूरी हमें नाम शॉर्टलिस्ट करके देगी, सपोज इस हर सेगमेंट में जूरी ने हमें 3-3 नाम शॉर्टलिस्ट करके दे दिए, वो 3 नाम एवरी सेगमेंट के हम ऑनलाइन फ्लोट कर देंगे एंड जनता को हम पूरी अथॉरिटी देंगे कि वो उस पर ऑनलाइन वोटिंग करें। यही एक तरीका है कि जनता इस चीज़ से जुड़ पाएगी। कि दोस्तों हमने एक प्रयास किया है, कोशिश की है पूनम जी और मैंने, आप लोगों का सहयोग पक्का चाहिएगा हमें। उम्मीद करते हैं आप अपना आशीर्वाद अपने वोटों के ज़रिए हमें ज़रूर देंगे और इस हमारी छोटी सी कोशिश को उस परम सीमा तक ले जाएं कि लोग बोलें कि अगर अवार्ड फंक्शन हो कि तो इस केडर का हो।